गाइस ये देखो, आपको बोला था ना पिछली वीडियो में दिखाऊंगा डैडी ने क्या किया। तो शिल्पा बता रही थी या तो कुछ चाटने लग गया और शिल्पा नहा रही थी, पीछे से पता नहीं डैडी ने चाट चाट के फाड़ दिया कारपेट। और शुक्र है कि ये हमारा क्लोजेट का कारपेट है तो ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, छोटा सा कारपेट और ईजी फिक्स है तो नॉट अ बिग डील। बट फिर भी इन भाई साहब में अभी भी पप्पी की आत्मा बैठी है तो अब इसकी हम लेंगे खबर, डैडी की अब खबर ली जाएगी। किसने किया डैडी? डैडी किसने किया है? इधर आओ, पहले नीचे बैठो बैठो इधर। ये किसने किया है? हु डिड दिस डैडी? किसने किया है? हु डिड दिस? आपने किया है? कौन है गंदा बच्चा? कौन गंदा बच्चा है? ये किसने किया है? बड़ी ने गलती लगता है। बड़ी को तो आप ही देखेंगे, पहले तू बता ये किसने किया है? ये आर यू बैड डॉगी डैडी? किसने किया है? आर यू बैड डॉगी? हैं देखना गाइस कैसे दिख रहा है शक्ल भी। क्या हो गया? नहीं अब क्या हो गया है? नींद नहीं आ रही ना तेरे को? नींद नहीं आ रही ना तेरे को? तो ये किसने किया है मुझे बता पहले। नहीं बता ना, छुपा क्यों रहे मुँह से? ये किसने किया है? ये जो शेप आ रही है ना, ये गोल गोल सी, ये लग रहा है तेरी शेप लग रही है मुझे गोल गोल सी, ये जो आ रही है यहाँ पे भी। नहीं छुपा ले इसको तू, छुपाने से कुछ नहीं होगा। बैड डॉगी आपने किए हैं? किस तूने किए? बड़ी ने किए? बता अभी बड़ी को बुलाते हैं। रुक बड़ी जरा इधर आ जा ना। बड़ी तेरे को डांट नहीं पड़ रही भाई, तू आ जा। वो डांट पड़ रही है ना, उसको लग रहा है उसको भी पड़ रही है। बड़ी तेरे को नहीं पड़ रही डांट। बाबू काम छुप, आपको नहीं कर ले। बड़ी तेरे को नहीं पड़ रही भाई, तू तो गुद्दा की है। बड़ी तो पहले ही नहीं आ रहा, सब पता है इनको। देखो डॉगीज को गाइस सब पता होता है कि डांट पड़ रही है, गिल्टी डॉगीज होते हैं ना ये। देखो शक्ल पे दिख रहा है, इसने तो किया नहीं वैसे तो। चल मत आ, कोई नहीं, तूने तो किया नहीं, तू गुड डॉगी है। बट आप नहीं बताओ ये क्या हरकत क्या है? क्या मांग रहे हो? कहाँ जा रहा तू? खैर मैं भी निकल जाता हूँ। कहाँ कहाँ जा रहा है? शिल्पा के पीछे नहीं छुपना इधर। खैर मैं भी निकल जाता हूँ। ये क्या हरकत है? हैं गोदी में लेट जाएगा, गोदी में लेट जाओ, मक्खन लगा लो। हैं ये हम करते थे बचपन में, पापा मम्मी को ऐसा करते थे ताकि डांट ना पड़े। ये देखो हरकत, बैड डॉगी हो रहे हो तुम, बताऊँ आपको मैं? हाँ पड़ी नहीं ना डांट दो दिन से तुम्हें, बहुत ऐश हो गई इनके पीछे से। गाइज मैं तो बस एक गिल्टी वीडियो बना रहा था, मैं कभी डांट नहीं रहा इसे, ये तो बस ऐसी फनी वीडियो थी। गाइज हमारी डिलीवरी आई है, हमने आपको बताया था ना एक रूम सेटअप कर रहे हैं हम लोग, तो किंग बेड नया बेड पूरा सेट मंगवाया है, मैट्रेस नहीं ली अभी, ड्रेसर है नाइट स्टैंड के साथ। तो नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट यहाँ पे NFM करके बहुत बड़ा स्टोर है, वहाँ से मिल गया, बहुत बड़ा अच्छा। हम चेकआउट करके आए थे एक दिन, तो डिलीवरी आई है और मज़े की बात ये लोग बाहर छोड़ के जाएंगे इसको, और बाहर से ये देखेंगे बड़ी एंड टैडी ये बैठे यहाँ पर, अंदर आपको दिख रहे होंगे क्यूट से डॉगीज, ये दिख रहे। तो ये बाहर छोड़ के जाएंगे और मैं इनको डॉली पे डाल के अंदर ले जाऊँगा, क्योंकि अंदर डलवाने के ना अलग से कुछ $100-$150 थे। मैंने कहा इट्स ओके है, मैं मेरे पास भी है डॉली वॉली ना, मैं खुद ही कर लूँगा, इतना छोटा मोटा काम तो कर ही सकते हैं। तो बाहर डलवा रहा हूँ मैं और यहाँ से पिक करके ऊपर वाले फ्लोर पर मैं खुद ही ले जाऊँगा, फिर वहाँ पर सेटअप वेटअप करके आपको पूरा रूम दिखाते हैं सेटअप करके। तो चलो शुरू करते हैं वाला ब्लॉग भी आज का। अब इनको सेटअप वेटअप भी करना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो शुक्र है अभी वीकेंड आ रहे हैं तो कर लेंगे आराम से। अरे रूफर भी आया हुआ है ऊपर किसी के सामने छत पे, ओ भाई साहब, वो भी कुछ दिन पहले ओले पड़े ना इसलिए आया हुआ चेक करने। काफ़ी लोग चेक करवा रहे हैं अपने रूफ्स, क्योंकि ओले पड़े ना कुछ दिन पहले, हम नहीं करवाए लीकेज तो है नहीं, और कभी फ्यूचर में एक और स्टॉर्म आया ना तो मे भी तब करा लेंगे चेक। ऑलराइट तो ये सारा सामान, ये प्रॉब्लम होंगे नाइट स्टैंड, दो नाइट स्टैंड, चलो बंद कर रहा है अपना। ओके ये होगा पूरा का पूरा किंग बेड, एक बेड मंगवाया हमने, और हमारे ना गेस्ट रूम में थोड़ी जगह है किंग बेड आने की, इसमें क्या है। अच्छा ये किंग बेड का फ्रेम है, तो चलो आपको दिखाते हैं इसको, थोड़ा सा लगाएंगे इसमें ड्रेसर होगा। यस यस यस, टिप दे दी मैंने बंदे को, क्योंकि यहाँ पे टिपिंग कल्चर है रिमेंबर, और कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसको टिप देनी चाहिए। उसने दरवाजे तक छोड़ा तो मैंने उसके लिए टिप दे दी, यहाँ से मैं अंदर लेके जाऊँगा, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि अंदर लेके जाने के रखने के अलग से पैसे दे, तो मेरे को चाहिए नहीं थे, क्योंकि आई कैन डू इट, आई हैव स्टफ, आई कैन डू इट मायसेल्फ, सो लेट्स डू इट। गाइस हमारा फर्नीचर आ गया, और गाइस कहेंगे तुम फर्नीचर लाई जा रहे हो और दिखा नहीं रहे हो लगा लगा के, और इतना बल्की बल्की साहब हमें समझ नहीं आ रहा कि भी हम लेके कैसे जाएंगे ऊपर। तो ऊपर के लिए बेड आया है, नाइट स्टैंड आया है, और एक ड्रेसर आया है, और एक टेडी आया है। इसको खोल के ले जाना, इसका ड्रॉर निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि बहुत हैवी सा लग रहा है ना कि भी कैसे जाएगा। ये बना बनाया है। हाँ बना बनाया है, तो इसके ड्रॉर निकाल देते हैं नीचे खोल के, हाँ फिर ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे। और ज्यादा ही है ना, तो बेड का भी
अगर डॉली में आ गया तो ठीक है, तो इसके लिए सामान एक एक निकाल के ले जाएंगे। और ये ऑलरेडी गाइस ये लगे हुए हैं, बिल्कुल सेट है, कुछ भी नहीं करना। ये तो ऐसे आ जाएगा। हाँ, ये हल्का है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, ये तीनों चीजें बनी हुई हैं, सिर्फ बेड है जो बेड नहीं बना हुआ। चलो अंदर लेके चलते हैं। हाँ, डॉली फिर काम आ रही है रजा। ए, 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 ए दोनों अंदर आओ, बॉयज अंदर देखो, अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ, इसी दिन के लिए तो ली थी कि भाई ऐसे कितनी बार काम आ चुकी। हाँ, क्या लाओगे? अंदर तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तो ना पकड़ू ना, मैं तो ना पकड़ू। ऊंचा भी बहुत है ना हाइट में, तो वैसे भी नहीं आ पा रहा। ऐसे लाया था वो भी। बैठी अंदर आ जाओ बेबी, इतना वाइड है अभी कि आ जाएगा, वो भी देखना पड़ेगा, देख के रचन। हाँ हाँ, आ जाएगा। ओ, बिल्कुल कंडे पे आया, वाओ। सीधा ऊपर ले चलो जा। गाइस, जिगी आ गया। जिगी, इसका नाम है जिगी, 8 साल का लैब मिक्स, एंड कोई तो इसकी ब्रीड है दूसरी मिक्स, वो मुझे बोली नहीं जा रही, लैब्सोडियन पता नहीं क्या बोलते हैं। बट ही इज मिसिंग बडी एंड टैडी, बिकॉज बडी टैडी आ रहे हैं बस अभी। आ जाओ डॉगीज, देख कौन है, देखो कौन आ गया। टैडी तेरे पीछे भाई, बेड में क्या है, खजाने आ गए बेड में, जिसका बेड है उससे तो मिल लो। अजीब डॉगीज है। टैडी पता दोस्त अंदर गया भाई। हाँ, ये देख, देखा बोला था ना, चलो किसी कर ले जाओ। गुड डॉगीज। चलो ये गाइस हमारे लिए, हमारे पास हफ्ते के लिए आया है। इसके पेरेंट्स को अनएक्सपेक्टेडली इंडिया जाना पड़ गया, किसी की फैमिली में डेथ हो गई है, तो एक हफ्ते के लिए आया है। जिगी नाम है इसका। विल टेक केयर ऑफ यू जिगी, ओके? दोनों का सेम सा ही कलर है वैसे तो, टैडी एंड जिगी का। टैडी ज़्यादा नहीं प्लेगा लेगा वो, इज 8 ईयर्स ओल्ड, ओके? तो उसे लंबे लंबे नखून है इसके। ओह नो, नखून तो बहुत लंबे, चुभ जाएंगे, पता नहीं नखून काटते नहीं क्या। दिखाइए जिगी अपने नखून, दिखा मेरे को एक बोली। ओ भाई साहब, देख रहे हो गाइस, नखून है ना, कभी ज़मीन पे टच नहीं करना चाहिए। बोलूँगा इनके पेरेंट्स को मैं, कटवाएंगे। तो ये है रोडेशियन रिज बैक एंड लैब मिक्स। मुझे नहीं पता रोडेशियन कैसी होती है ब्रीड। गुड थिंग इसके हमारे पास पहले आ चुका है, मिल चुका है हमारे डॉगी से, बड़ी इन डैडी से, तो अच्छा रहता है, इसलिए हमने ले लिया इनको। इसको डॉगी बाहर नहीं जा रहे हम लोग, शुशु जाएगा। चलो भी चलता हूँ। देखो गाइज, आज लंच में देखो क्या लाया मैं। दिस इज़ थाई टी एंड शिल्पा ने मंगवाया ड्रंकन नूडल। ऑलरेडी ड्रंकन नूडल जी वाले तो, और पैट्सी यू, शिल्पा यू क्या खाते तुम? यू संभाल लिया तुमने, कैसा रहा? ऑल गुड, शांति, इतना मजा आया, इतना मजा आया, क्योंकि यू नो लाइक रजत जब घर पे होते हैं तो चाहे चलती रहती है। आर यू श्योर? इतना मी टाइम मिला, इतना मी टाइम मिला कि मैं बोर हो गई। डील, तुम भी कुछ, मैं भी कुछ। डील नहीं, डील नहीं, क्या करूं, इतना मी टाइम मिला कि मैं बोर हो गई। बोर हो गई, टैडी बडी सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। ये तो मैंने भी पहले भी बोला था ये बात को, तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि भी आप बस बोलते रहो लेकिन बेचारे आगे से जवाब नहीं देते। होता है, बट टैडी के साथ ये एक चीज है कि भी आप ये बोलते हैं टैडी नो टैडी, वैसे भी टैडी फंड हो गया, कुछ नहीं, उसका हरकत करता रहता है, बोर नहीं होता। कारपेट फाड़ दिया देखो, एग्जांपल। और पता क्या हुआ था, सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि वैसे तो अलाउड नहीं है ना, और एक दो दिन के लिए मैंने अलाउ कर दिया था कि चलो आ जाओ। क्या करता था, पहले यहाँ चढ़ेगा, फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन नीचे, फिर यहाँ से चढ़ के, यहाँ से वहां चढ़ के, ये सारे क्वेश्चन नीचे, सारे के सारे क्वेश्चन। बहुत ही नॉटी डॉग है गाइस टैडी, पप्पी है ना, कब बड़ा होगा ये पप्पी हमारा, पता नहीं कब होगा। हाँ गाइस, स्पेशल नोट अबाउट दिस, क्योंकि थाई लोग जो होते हैं ना, थाई वाले, थाईलैंड वाले बेसिकली, तो वो भी मिर्ची खाते हैं ना जैसे हम इंडियंस खाते हैं। तो ना एक बार ही पता है मैंने कितनी मिर्ची डलवा ली, मैंने कहा चौड़े होके भाई खा लूँगा,
और वो ना सच में बहुत मिर्ची थी उस वाले खाने में। मैंने खा ली पर मेरे को हो गया था कि साथ में ना कुछ पिला दो, और पांच में से चार नंबर ली थी मैंने। वो भी ऐसा था अरे श्योर मैंने कहा तो जानते नहीं है भाई, मैं भी भाई ओल्ड दिल्ली से हूँ, मैं भी खा जाऊँगा चार नंबर। फिर उसने बोला आर यू श्योर, क्योंकि यहाँ तो अमेरिका में ना गोरे लोग तो खा नहीं पाते। तो उसने मेरे को दो बार पूछा आर यू श्योर, फिर मैंने भी हीरो बन गया हाँ ले लिया। फिर जब मैंने खाया ना ऐसा बार बार कुछ ना कुछ पीने के लिए चाहिए था मुझे, मैंने खा ली बट दोबारा नहीं लूँगा चार नंबर। तो तीन नंबर से काम चला रहा हूँ मैं आज, और शिल्पा तो ऑब्वियसली दो नंबर लेती है, शिल्पा का बच्चे तो एक नंबर भी ले सकती है। जानबूझ के स्ट्रॉ नहीं लाया मैं, क्योंकि लेस प्लास्टिक मोर रीयूजेबल स्ट्रॉस, मैं जानबूझ के नहीं लाया, देर दी नहीं सही नहीं सही तो ये क्यों लाया फिर, इसकी भी जरूरत नहीं थी देखो, नो प्लास्टिक। हां दैट्स ट्रू, एक जगह पे सेट कर दिया पहले। बढ़िया टेस्टी है, थाई बहुत अच्छा लगता है गाइस मुझे, थाई इन मैक्सिकन दोनों बहुत अच्छा लगते हैं मुझे। तो कभी ना कभी ना जैसे दो तीन महीने में एक बार तो खा लेते हैं, अच्छा लगता है। इटालियन भी अच्छे लगते हैं, वो थोड़ा कम खाते हैं हम लोग। इंडियन तो अच्छा है ही, वो तो हम खा पी के बड़े हुए हैं, तो इंडियन तो बहुत मोस्टली हम खाते ही हैं घर पे, ये ऑब्वियसली इंडियन फूड बनता है। और वीगन भी हम ज़्यादा वैसा खा लेते हैं पराठे पुरूठे से। गाइस इस मामले में तो मैं इंडिया की तारीफ करूँगा, मैं जब भी दो साल पहले जब बैंगलोर आया था ना, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि हर चीज़ में अब उन्होंने इंडिया में पेपर स्ट्रॉज या फिर रीयूजेबल ऐसी रिसाइकलेबल चीज़ें यूज़ कर दी, शुरू कर दी है, जैसे पेपर बैग्स करने शुरू कर दिए, प्लास्टिक से दूर जा रहे हैं। अमेरिका में अभी तक ये कॉन्सेप्ट बहुत कम यूज़ हो रहा है, अभी भी प्लास्टिक के स्ट्रॉ दे रही थी मेरे को, अभी भी प्लास्टिक की पन्नियाँ मिलती हैं मार्केट में। हो रहा है इम्प्लीमेंट, धीरे धीरे हो रहा है, बट आई एम अप्रिशिएशन टू ऑल इंडियंस जो इसको सपोर्ट करते हैं। देखो मैं भी करता हूँ, मैं स्टील के स्ट्रॉ में पी रहा हूँ, लेस प्लास्टिक यू नो, पन्नियाँ भी मैं लेके नहीं जाता, हम अपना बैग लेके चलते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपको आपके साथ शेयर करूँ। देखो गाइस शिल्पा ना जिगी को प्यार कर रही है, टैडी मेरे पास है, देखो ये चला के, देखो ये तो भाग के जेलस डॉग, देखो घुस गया बीच में ही, घुस गया बीच में ही, घुस गया भगा देता है, घुस गया जेलस डॉग। टैडी तेरा नाम जिगी है, बद्दी को कर दो, बड़ी को प्यार कर लो, बड़ी को प्यार कर लो, टैडी टैडी बड्डी को प्यार कर रही है शिल्पा, टैडी सुन तो सही, टैडी देख शिल्पा बड्डी को प्यार कर रही है, देख टैडी देख बड्डी, देख बड्डी को प्यार कर रही है, टैडी आ गया, अच्छा बड्डी को प्यार कर रही, बड्डी को प्यार कर, वो घुस गया देखो बड़ी के ऊपर ही बैठ जाता है, देख रहे हो कितना जेलस है टैडी, टैडी इज जेलस ऑफ अनदर डॉगीज गेटिंग लव। गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ये अब जो आ रहा है ना ये फर्नीचर जो आया है ये तो अब बाद में ही थोड़ा सा लगेगा वीकेंड पे हो, क्योंकि सरप्राइजिंगली कल मेरा दोस्त आ रहा है, उसका अचानक से प्लान बन गया, बेरिया से आ रहा है, तो अभी उसके साथ हैंग आउट करते हैं अगले व्लॉग में, और ये वाला मैं बंद करता हूँ, अब डिनर करके सोएंगे, थोड़ा सा थक रहे हैं पुरानी ट्रिप से। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में, अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, बाय।